वैश्विक महामारी का अंत अब नजदीक आ गया है, ये कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जिस वैक्सीन की लंबे समय से इंतजार हो रहा था वह बन भी चुकी है और अब उसे लगाने की तैयारियां भी पूरी हो गई है। शनिवार को देश भर में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसी कड़ी में करनाल जिले में भी 13,000 डोज आज यानी वीरवार शाम तक पहुंच जाएंगी। विभाग द्वारा चिन्हित किए गए केंद्रों पर शुक्रवार तक इन्हें पहुंचा दिया जाएगा। पहले चरण में करनाल के नागरिक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, पार्क अस्पताल तथा घरोंडा में केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र में एक दिन में 100 लोगों को ये वैक्सीन लग सकेगी। इसके लिए सारी तैयारियां और प्रबंध विभाग द्वारा पूरे किए गए हैं। ऐप के माध्यम से वैक्सीन लगवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण जानकारी मिलेगी। समाचार एक्सप्रेस के साथ विशेष बातचीत में सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन को लेकर यदि लोगों के मन में कोई आशंका है तो वह उसे विभाग द्वारा जारी नंबरों के माध्यम तथा विभाग के अन्य साधनों से संपर्क कर दूर कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आना चाहिए। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी फिलहाल 4 केंद्र बनाए गए हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही उच्च विभाग के आदेश होंगे उन्हीं के अनुसार केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देर के समाचार एक्सप्रेस में आपको बता दूं कि इस समय अब जो मौजूदा समय में हम बैठे हैं करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में, और मैं आपको बता दूं कि इस करनाल के लिए या पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात और राहत की बात है कि कोरोना को हराने के लिए पूरे हिंदुस्तान ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रयास भी अब रंग लाए हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाली 16 तारीख को कोरोना को हराने के लिए जिस वैक्सीन का इंतज़ार था वो भी आ चुकी है और उसका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी स्वास्थ्य विभाग के पास है। आइए, इसका क्या शेड्यूल रहेगा, इसकी वितरण प्रणाली क्या रहेगी और प्रथम चरण में कैसे लगनी है और किनको लगनी है और लगने के बाद किस तरह की सावधानी मरीज को बरतनी चाहिए या जिनको वैक्सीन लग जो वैक्सीनेटर हैं जिनको लगनी है उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए या उन्हें घबराना चाहिए या नहीं, इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रयासों से अब कोरोना को। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देर के समाचार एक्सप्रेस में आपको बता दूं कि इस समय अब जो मौजूदा समय में हम बैठे हैं करनाल के सिविल सर्जन कार्यालय में, और मैं आपको बता दूं कि इस करनाल के लिए या पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात और राहत की बात है कि कोरोना को हराने के लिए पूरे हिंदुस्तान ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के प्रयास भी अब रंग लाए हैं। मैं आपको बता दूं कि आने वाली 16 तारीख को कोरोना को हराने के लिए जिस वैक्सीन का इंतज़ार था वो भी आ चुकी है और उसका वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी स्वास्थ्य विभाग के पास है। आइए, इसका क्या शेड्यूल रहेगा, इसकी वितरण प्रणाली क्या रहेगी और प्रथम चरण में कैसे लगनी है और किनको लगनी है और इसके बाद लगने के बाद किस तरह की सावधानी मरीज को बरतनी चाहिए या जिनको वैक्सीन लग जो वैक्सीनेटर हैं जिनको लगनी है उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए या उन्हें घबराना चाहिए या नहीं, इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके प्रयासों से अब कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन आ चुकी है करनाल जिले के अंदर। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी की बात है कि हम जो हमारी कोविड पैंडेमिक के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें भारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लेने जा रहा है और 16 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसका शुभारंभ किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग हरियाणा और स्वास्थ्य विभाग करनाल की ने भी अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। अभी तक हमने 5 साइट्स हमने अभी रेडी रखी हुई हैं। जैसे हमें फाइनल गो अहेड होगा कि कौन सी साइट्स पे लगनी है वो हम इमीडिएटली इसको रोल आउट करेंगे। देखिए, इन्होंने बताया कि करनाल में 5 सेंटरों को चिन्हित किया गया है। अभी दूसरी और गाइडलाइंस आनी है कि प्रथम चरण में किस सेंटर से कहाँ पे शुरुआत होनी है। सर, शनिवार वह ऐतिहासिक दिन रहेगा जब कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन स्टार्ट हो जाएगी। सर, आपने बताया कि अभी तक फिलहाल जो आदेश आए हैं उनके अनुसार 5 सेंटरों को चिन्हित किया गया। सर, हमारे करनाल जिले की बात की जाए तो अभी तक कितनी डोज हमारे पास आ चुकी हैं? देखिए, अभी आज हमारे को डोजेस की डिस्ट्रीब्यूशन की डिटेल आई है, उसके अकॉर्डिंगली लगभग 13,000 डोजेस जो हैं वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनाल डिस्ट्रिक्ट के लिए करी गई हैं और प्रॉबली शाम तक हमारे पास कुरुक्षेत्र से वो सारी वैक्सीन जो है वो डिलीवर हो जाएगी। देखिए, पहले चरण में 13,000 वैक्सीन करनाल जिले के लिए आ रही हैं, आज शाम तक करनाल में वो कुरुक्षेत्र से पहुंच जाएंगी। सर, उसके बाद कोरोना जो वैक्सीन करनाल में पहुंचने के बाद इनको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सेंटरों को, उसके लिए कोई प्लान है या उनके लिए भी गाइडलाइंस आनी बाकी हैं?
देखिए प्लान बिल्कुल है, जो हमारी साइट्स हमने चूज़ कर रखी हैं, जैसे 4 साइट्स हैं अपने सैटरडे के लिए रखी हुई हैं, उन सभी साइट्स को वो सारी हमारी कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं। जैसे हमारे सेंटर स्टोर में आज वैक्सीन आएगी, उसके बाद कल वैक्सीन जो है इन कोल्ड चेन पॉइंट्स पे अकॉर्डिंग टू जितनी वहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पहुँचा दी जाएगी। देखिए प्रथम चरण में पहले चरण में 4 सेंटरों पर वैक्सीन प्रणाली को वैक्सीन को वितरित किया जाएगा। अभी तक 13,000 वैक्सीन करना के लिए आ चुकी हैं, वो शाम तक पहुंच जाएंगी। उसके बाद ही वितरण प्रणाली कल शुरू होगी और सैटरडे से यानी कि शनिवार से वो वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। सर अगर हम बात करें, कोई ऐसा शेड्यूल भी आया कि पहले कौन से सेंटर से स्टार्ट किया जाएगा? ऐसा नहीं है, सभी सेंटर्स में एक ही दिन में शुरू होनी है। वो जो 4 सेंटर हमने चूज़ किए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब शुरू कर देंगे, इनॉग्रेट करेंगे, उसके बाद साथ ही यहाँ पे भी जो हमारी एक टीम जो भी है वो लगभग 100 बेनिफिशरीज को वैक्सीनेट कर सकती है। तो प्रॉब्ली उस दिन हम इन 4 सेंटर्स में अराउंड 400 के आसपास हम डोजेज को देंगे। देखिए इन्होंने बताया कि शनिवार को एक सेंटर में एक दिन में 100 वैक्सीन लगाई जा सकती हैं, और इन 4 सेंटरों के हिसाब से 4 सेंटरों में शनिवार को 400 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। सर पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रायोरिटी बेसिस पे लगाया जाएगा, उसमें सर आपका जो है आपका भी नंबर आता है ना सर? और दूसरा सबसे बड़ी बात, लोगों के मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट है, इसके लिए आपने पहले मॉक ड्रिल भी किया था थोड़े दिन पहले, इसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। भारत सरकार की जो प्रायोरिटी और जो उनकी गाइडलाइंस आई हैं उनके अनुसार जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए जो फर्स्ट फेज़ है उसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन की जाएगी। जो जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे वो हमारे पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं और क्लास 4 स्टाफ्स हैं, वो सभी को हम वैक्सीनेट करने का कार्य करेंगे। और उस दिन जिस दिन शुरुआत की जाएगी, हम चाहेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जितने हमारे सभी कैटेगरीज हैं उसमें सभी रिप्रेजेंट करें, और जिससे कि लोगों का कि कोई शंका भी है तो वो शंका मन से निकले कि बिल्कुल सेफ और अच्छी वैक्सीन जो है वो शुरू की जा रही है। सर अगर बात करें सिम्टम्स की, वैक्सीनेशन के बाद किस तरह के सिम्टम्स ऐसा लगता है कि ये अधिक होने के आसार हैं और इनको लेकर पेशेंट घबराए ना? ये देखिए कोई भी वैक्सीन हो, किसी तरह की भी वैक्सीन हम लगाते हैं, तो लोकल एरिया जहाँ पे वैक्सीन लगती है वहाँ पे पेन हो सकती है और हल्का फुल्का फीवर आ सकता है ये, और बहुत रेयर कंडीशंस में किसी को थोड़ी बहुत एलर्जी हो सकती है। ये दीज आर नॉर्मल, जो वैक्सीनेशन कराए तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं और बहुतों को कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर भी हमारी हेल्थ की टीम्स पूरी तरह सजग रहेंगी, हमारे पूरे डॉक्टर्स और टीम्स जो हैं वो किसी तरह की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली टैकल किया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि वैक्सीन के बाद किसी तरह के कोई भी वैक्सीनेशन हो उसके बाद कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, इसलिए पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पेशेंटों जो जिनको वैक्सीनेटर हैं, जिनको वैक्सीन लगनी है, वो पैनिक ना हो, इसके लिए इनका पूरा का पूरा स्टाफ तैयार है। और इवन मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे के लिए उसको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। सर अगर घर जाने के बाद आधे घंटे का पेशेंट घर चला जाता है वैक्सीन लगवाने के बाद, और घर जाने के बाद उसको कोई ऐसा सिम्टम महसूस होता है, तो क्या वो दोबारा आपसे संपर्क कर सकता है? इसके लिए आपने कोई टोल फ्री नंबर या कोई नंबर जारी किया है? नहीं, हमारी हेल्पलाइन जो कोविड के लिए भी शुरू से चल रही है वो हेल्पलाइन लाइन तब भी चलती रहेंगी, सेंटर जो हमारा कंट्रोल रूम है। इसके अतिरिक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने हमारे वैक्सीन बेनिफिशरीज़ हैं उनको वहाँ पे ये सूचना उपलब्ध करवाई जाए कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और उसके साथ जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो भी साथ में उपलब्ध, अगर इन केस कोई ऐसी उनको एप्रीहेंशन या कोई ऐसी दिक्कत लगती है तो उस फ़ोन के ऊपर इमीडिएटली उनको कॉन्टैक्ट करें। सर एक सेंटर पे इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक सेंटर पे कितने लोग मौजूद रहेंगे? देखिए जो नॉर्मल हमारी गाइडलाइंस हैं उसमें डिफरेंट रोल असाइन किया गया, जैसे शुरू में एक वैक्सीन ऑफिसर जो है वो पुलिस पर्सनल रहेंगे जो सारे क्रेडेंशियल चेक करेंगे कि वेदर जो लगवाने आए हैं वो वही व्यक्ति है जिसका नाम उस दिन सॉफ्टवेयर के SMS के माध्यम से हमने भेजा है। फिर उसका वेटिंग एरिया जिसमें हमारा दूसरा वैक्सीनेटर जो ऑफिसर है वो चेक करेंगे कि किसी तरह का कोई फीवर या कोई और साइन सिम्टम्स तो नहीं है, यहाँ किसी तरह की कोई एलर्जिक हिस्ट्री तो नहीं, वो सारी हिस्ट्री टेकिंग वहाँ पे होगी। देन
हमारे जो कंप्यूटर पे जो कोविन ऐप वो हैंडल करते हैं वैक्सीनेशन ऑफिसर, वो उसको चेक उसका सारा आईडी और सारा डाटा जो है ऐप पे अपलोड करेंगे। तब उसके बाद वैक्सीनेशन जो मेन वैक्सीनेटर है जो वैक्सीन लगाएंगे, और वैक्सीन लगने के बाद उसको फिर उसको कंप्यूटर के ऊपर अपलोड किया जाएगा कि इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुकी है। देन जो हमारा ऑब्जर्वेशन रूम है आधे घंटे के लिए, वहाँ एक वैक्सीनेशन ऑफिसर होंगे जो सभी जो वैक्सीन जिनकी लग चुकी है आधा घंटे तक उनको ऑब्जर्व करेंगे कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। सो इस लगभग 5 से 6 लोगों की एक टीम जो है वो उस हर वैक्सीन साइट को सुपरवाइज करेगा, और इनके साथ ऊपर एक नोडल ऑफिसर होंगे जो डिफरेंट जो उस सारे 2-3 जो साइट्स हैं उनके ऊपर अपने सुपरविजन करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो वैक्सीन को लगाने के लिए सिरिंज का इस्तेमाल किया जाना है, हमें सूचना जो हमारी जानकारी के मुताबिक ये एक अलग तरह की सिरिंज है, इसमें नीडल उतारने की जरूरत है, इसमें क्या खास बात है? सिंगल डोज इंट्राडर्मल जो अपना ये जो सिंगल डोज सिरिंज है, इसलिए इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि रीयूजेबल हो सकती है, सिंगल डोज सिरिंज है। देखिए, ये थे हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने, इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि पहले चरण में करनाल जिले में 13,000 वैक्सीन आज शाम तक वीरवार शाम तक पहुंच जाएंगी, शुक्रवार को उनका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 4 सेंटरों पर, और प्रत्येक सेंटर में प्रतिदिन 100 लगेंगी। पहला जो चरण है वो 16 तारीख से स्टार्ट होगा, उसके बाद आगामी जो सरकार की तरफ से अपर सरकार की तरफ से जो भी आदेश आएंगे उसके अनुसार वो गाइडलाइंस को पालना करेंगे, उसके अनुसार ही बेनिफिशरीज को वैक्सीन लगाया जाएगा, और वैक्सीन लगवाने के लिए जो भी बेनिफिशरीज आएंगे उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर उनको किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो उसके लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक प्रबंध कर रखे हैं ताकि किसी भी बेनिफिशियरी को किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना महसूस हो। इसके अलावा इनकी जनता से यह अपील है कि वो बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम को सफल बनाने में आगे आएँ ताकि हम वैक्सीन तक ताकि कोरोना को पूरी तरह से हराया जा सके। मैं तरुण गन, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.